हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन मटेरियल में। और देखिए, आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए थर्मल इंजीनियरिंग के, यहाँ पर जो चैप्टर थर्ड है, ठीक है, जितने भी प्रोसेस हैं थर्मोडायनेमिक्स के, यहाँ पर आपको मिलेंगे। और देखिए, आपको हमने बताया था कि आपके पासिंग मार्क्स से आपको ज़्यादा हमने करा दिया है थर्मल में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड जो है वो फुल्ली कंप्लीट हो गया है। और इस चैप्टर को जिसने ध्यान से पढ़ लिया, चैप्टर वन और टू, तो वो 100% उसकी बैक नहीं लगेगी। और अगर देखिए, अगर यहाँ पर थर्ड चैप्टर को भी यहाँ पर स्टूडेंट ने पढ़ लिया, तो हो सकता है कि आपका देखिए 25 नंबर आपका तैयार हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 25 नंबर आपको तैयार हो जाएंगे, जिन्हें 25 नंबर अगर लाना है पेपर में, तो ये 3 चैप्टर आप कंप्लीट कर लीजिएगा जो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था, आज हम चैप्टर 3 की बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से आपको 5 से 7 नंबर का आपको मिलेगा, यानी 1 नंबर से 7 नंबर तक कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जिसमें से कोई एक प्रोसेस आपको, ये तो 100% है आपका कंपलसरी है कि आपका एक प्रोसेस मिलेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। एक प्रोसेस आपको वहाँ पर पूछ दिया जाएगा, और उसमें चेंज इन एंथैल्पी कुछ भी पूछ दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 100% आपका यही पूछा जाएगा और यहीं से पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो भी हम यहाँ पर आपको नोट्स के तौर पर आपको बताएंगे, या आपको देखिए जो PDF आपको मिलेगी, वो आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, चलते हैं सीधा हम। हाँ देखिए, एक चीज़ और जान लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लें, ठीक है। जो इंस्टाग्राम है ऑफिशियली आप लोग के लिए ही बना है, ठीक है। वहाँ पर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप लोग के लिए क्रिएट किया गया है इंस्टाग्राम अकाउंट जो है, तो वहाँ पर आप जाके फॉलो कर सकते हैं। आपको इसी देखिए यहाँ पर इसी चैनल के नेम से आपको वहाँ पर सर्च करना है और वहाँ पर आपको फॉलो कर लेना है। फाइनली आप लोग के लिए वहाँ पर क्रिएट किया गया है जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पर। तो देखिए, अभी 1 से 2 दिन में उसको ओपन भी किया गया है आप लोगों के लिए ही, क्योंकि कोई भी अपडेट या कुछ भी होता है तो आपको वहाँ पर तुरंत मिलेगा, और कहीं मिले या ना मिले। तो देखिए, चलते हैं सीधा अपने यहाँ पर। देखिए, चैप्टर आपका 3rd है, और इस चैप्टर 3rd में आपको जो मिलेगा, यहाँ पर देखिए चैप्टर 3rd में, ये चैप्टर 3rd का नेम क्या है, देखिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑन गैसेस, यानी कि गैसेस पर विभिन्न प्रकार के जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं उनको हम बताएंगे। अगर देखिए यहाँ पर हम बात करें, तो ये जो प्रोसेस है ना, ये आप निश्चित रख लीजिए, आप स्टार्ट लगा लीजिए, 5 मार्क्स यहाँ से गेन कराएगा कोई भी एक प्रोसेस आपको पूछ देगा। बहुत ही छोटा आपका चैप्टर भी है, लेकिन ये है कि आपका यहाँ पर जो प्रोसेस है आपको वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम थ्योरेटिकल पार्ट देखें, तो थोड़ा सा ही थ्योरेटिकल पार्ट है यहाँ पर, ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं होने वाला, 1-2 हैं डिफिनीशन। देखिए यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऊष्मागतिकी पथ किसे कहते हैं, यानी थर्मोडायनेमिक्स वे किसे कहते हैं, तो देखिए पथ से आपको समझ में आ रहा होगा, जो रोड होती है, या वे बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कोई भी थर्मोडायनेमिक्स वे हो गया वो हमारा कहलाता है ऊष्मागतिकी पथ। आप देखिए ध्यान से सुनिएगा इसको पहले, यहाँ पर देखिए प्रोसेस हमने बताया, जैसा कि 5 मार्क्स आपको ये गेन कराएगा, और जो आपको मान लीजिए यहाँ से इस चैप्टर से कोई भी एक डिफिनीशन पूछ लिया, तो वो आपका 2 मार्क्स यहाँ पर दे कर जाएगा, यानी टोटल 7 नंबर यहाँ पर आपको गेन होंगे। यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं ऊष्मागतिकी पथ क्या होता है। तो जब कोई निकाय यानी सिस्टम अपनी किसी एक साम्यावस्था से दूसरी साम्यावस्था में जाती है, तब देखिए, तब वह जिस मार्ग का अनुसरण करती है, जिस मार्ग यानी वे को फॉलो करती है, वो होता है ऊष्मागतिकी वे, ठीक है, यानी ऊष्मागतिकी पथ। तो आपको ये समझ में आ रहा है, यानी एक कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन से कोई सिस्टम है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये यहाँ से मान लीजिए दूसरे इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ये जब जाती है, तो जिस वे का जो अनुसरण करती है, फॉलो करती है, वो हमारा होता है ऊष्मागतिकी पथ। फाइनली आपको ये लिख देना है, ये आपका पूछ लेता है एग्जाम में, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, यानी कि चक्रीय प्रक्रम क्या होता है। तो चक्रीय प्रक्रम यानी आपको समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ से ही कि चक्रीय, ठीक है। तो देखिए, जब कोई निकाय विभिन्न ऊष्मागतिकी पथ का अनुसरण करता है, यानी कि देखिए इसी से आपका ऊष्मागतिकी पथ जो हमने बताया, इसका जो अनुसरण करे, तो वो हमारा कहलाता है, देखिए, करते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था को, देखिए प्रारंभिक अवस्था में फिर से पहुँचे। अब देखिए साइक्लिक का मतलब क्या है, साइक्लिक का मीन्स है कि जिस रास्ते से वो जा रहा है फिर उसी रास्ते पर आ जाए, ये हमारा होता है साइक्लिक 360 डिग्री में, ठीक है, रोटेट करे, आप इससे भी समझ सकते हैं, तो वही कह रहा है। तो आप इसको समझ जाइए, ये जो प्रोसेस होगा ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। एग्जांपल अगर एग्जाम में पूछ ले,
तो जैसे आपका आईसी इंजन होता है, रोटेट करता रहता है, वेपर इंजन हो गया और वाष्प शक्ति संयंत्र हो गया और कंप्रेसर हो गया और रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सभी इसके एग्जांपल हो गए। अब देखिए जो हमने बताया कि ऊष्मागतिकी पथ क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो साइक्लिक प्रोसेस है ये क्या होता है। देखिए आप इस फिगर को देखिए, पीवी डायग्राम जो है, पीवी डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो कई सारे यहाँ पर देखिए, यहाँ से कोई प्रोसेस है 1 to 2, ठीक है, 1 से 2 के लिए। और देखिए यहाँ पर कई, यहाँ पर जो वे हैं वो वे कई वे से गुजरना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए A1, A2, A3, A4, A5 ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ए जो यहाँ से पूरा, अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक पूरा चलने को, जो देखिए यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस, यानी हमने बताया कि यहाँ से अगर हम चले हैं तो हम यहीं पर जब पहुँचेंगे ये हमारा होता है साइक्लिक प्रोसेस। अब देखिए ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस हो गया, आप यहाँ पर शो भी कर सकते हैं फिगर बना के, इम्प्रेशन आपका वहाँ पर बढ़ जाएगा। फ्लो प्रोसेस क्या होता है ये इम्पॉर्टेंट डाल लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये आपका पूछ लेता है और पूछा भी गया है। तो देखिए फ्लो प्रोसेस यानी प्रवाह प्रक्रम क्या होता है, वह प्रक्रम जिसे द्रव्यमान, ऊष्मा तथा कार्य तीनों निकाय की परिसीमा के आर पार आ जा सके, वो हमारा होता है प्रवाह प्रक्रम। मतलब देखिए जो अगर हम बात करें मास और हीट और यहाँ पर वर्क MSW, ठीक है, तो यहाँ पर जो MSW है, तो यहाँ पर जो MSW है ये जिस किसी सिस्टम में, ये तीनों जिस किसी सिस्टम में क्या होंगे, आर पार आ जा सकें, मतलब इंटर भी कर सकें और आउट भी हो सकें, आउट मतलब बाहर भी निकल सके, तो वो हमारा होता है फ्लो प्रोसेस। फ्लो मतलब जाना, ये आपको पता चल रहा है कि फ्लो मतलब बहना या जाना। देखिए प्रवाह प्रक्रम में एक नोट पॉइंट आप लिख दीजिए, खुले निकाय में पाया जाता है, ये कौन से निकाय में पाया जाता है, ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर देखिए फ्लो प्रोसेस में क्या होता है, ओपन सिस्टम पाया जाता है, जैसे आप ओपन सिस्टम भी जानते होंगे, हमने 3 सिस्टम बताए थे, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड, तो वो इसी से मिलता जुलता है। देखिए यह स्थिर तथा अस्थिर दोनों हो सकता है, ये भी आप यहाँ पर जान सकते हैं। अप्रवाह यानी नॉन फ्लो प्रोसेस क्या होता है, तो वह प्रक्रम जिसमें सिर्फ ऊर्जा निकाय की परिसीमा से बाहर आ जा सके, यानी ऊर्जा ही जाएगी और जो मास है और जो हीट है ये दोनों आर पर नहीं जा सकते, ये हमारा होता है अप्रवाह यानी नॉन फ्लो प्रोसेस। एग्जांपल आपको देखिए, एग्जांपल नहीं, यहाँ पर आपको नोट पॉइंट लिखना है, अप्रवाह प्रक्रम क्या होता है, बंद निकाय यानी कि क्लोज सिस्टम में पाया जाता है। अब वहाँ पर हमने बताया था कि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी इसी प्रकार से होता है क्लोज सिस्टम, इसीलिए ये फॉलो करता है। वेरियस टाइप, अब यहाँ से आपका मेन 5 मार्क्स का यहाँ से आपका गेन मतलब मिलेगा, जो भी आपको एग्जाम में मिलेगा इस प्रोसेस से। अभी तक 2 नंबर जो हमने जितना भी बताया वो आपको 2 नंबर का मिलेगा एग्ज़ाम में, कोई एक प्रोसेस पूछ देगा वो आपको लिखना पड़ेगा कोई एक डिफिनीशन। अब देखिए वेरियस टाइप ऑफ थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस यानी विभिन्न प्रकार के ऊष्मागतिकी प्रक्रम जो हैं इनको देख लीजिए। आपका ये जो इतना सा छोटा सा आपको जो टेबल दिख रहा है ना, ये देखिए इतना जो टेबल दिख रहा है, इसी टेबल से आपको 5 नंबर मिलने वाला है, इसके अंदर जब आप जाएंगे तब। देखिए फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर है हमारा यहाँ पर देखिए कांस्टेंट वैल्यूम, या इसी को बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर वैल्यूम जो होता है, वी जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, वी क्या होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें समदाबी जिसे बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर, और इसे आइसोबारिक भी बोलते हैं, इसमें बारिक यानी कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, जो दाब है यहाँ पर समदाबी, देखिए दाब ये क्या होगा कांस्टेंट होगा, यानी पी यहाँ पर कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट है समतापी यानी आइसोथर्मल या कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ये हमारा यहाँ पर टी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। रुद्रोष्म में यानी एडियाबैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं इसे, और कांस्टेंट एंट्रोपी भी बोलते हैं, यानी जो एंट्रोपी होगा जो एस होगा वो कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट बहुविधि यानी पॉलीट्रॉपिक, इसमें कोई भी हीट का एक्सटेंस जो ट्रांसफ़र होता है वो नहीं होता है। थ्रॉटलिंग इसमें भी आप देख लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मली है। मुक्त प्रसारण फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, किस प्रकार से एक्सपेंस होगा किसी भी गैस का। अति परवलिक यानी हाइपरबोलिक प्रोसेस, हाइपरबोलिक प्रोसेस को आपको भी समझ लेना है। बट यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये 4 आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ये जो 4 हैं यहाँ तक, ठीक है, तो इन 4 को आप अगर देख कर जाते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें
कॉन्स्टेंट डिफरेंट देखिए डिफरेंशियल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, यानी कि देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट तो कॉन्स्टेंट वैल्यूम या आइसोकोरिक प्रोसेस भी उसको बोलते हैं, यानी यहाँ पर वैल्यूम जो है वो कॉन्स्टेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ सभी कोई भी प्रोसेस अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो कुछ उसकी दो से तीन लाइन भी आपको लिखनी पड़ेंगी, उसके बाद आप फाइनल कैलकुलेशन करेंगी। तो यहाँ पर देखिए सभी में एक ही जैसा है, सेम है, सभी में सेम है, तो आपको क्या लिखना है सेम, इसको एक एक को ध्यान दे दीजिए, बाकी उसी प्रकार से सभी को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए निकाय की सभी साम्यावस्था के लिए इस ऊष्मागत की प्रक्रम में स्थिर आयतन पर एम किलोग्राम का आदर्श गैस प्रोसेस 1-2 यानी एक से दो तक जाता है, ठीक है। अब ये सभी प्रोसेस में आपको सेम लिखना है। देखिए हम बात करते हैं इसकी पीवी डायग्राम की, तो पीवी डायग्राम यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा कोई ये पी एक्सिस है, ये वी एक्सिस है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा प्रोसेस है वो 1-2, ठीक है, यानी एक से दो प्रोसेस है हमारा। इसमें क्या होगा, जो वैल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा, वैल्यूम इज़ कांस्टेंट। अब देखिए ये आपको पता चल रहा हो, जो वी एक्सिस है ना, ये जो एक्सिस है ये वाली, ये जो है प्रोसेस के यानी प्रोसेस 1-2 जो है उसके परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखिए इतना आप देख लीजिए यहाँ पर, ये किस प्रकार से पीवी डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवी और टीएस डायग्राम होता है, उसको बनाना आना चाहिए आपको। तो देखिए और दूसरा जो आपको लिखना है सभी में सेम हो रहता है, आपको ये लिख देना है कि इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल टेम्परेचर एंड इनिशियल वैल्यूम, ये जो हमारा P1 V1 T1, लास्ट प्रेशर एंड लास्ट वैल्यूम P2 V2 T2, ठीक है। प्रारंभिक दाब ताप आयतन हमारा ये हो गया और जो हमारा अंतिम है वो ये हो गया। देखिए अब इसमें हम बात करेंगे पी वी टी रिलेशन, यहाँ पर इसको भी आप समझ लीजिए, जो TS डायग्राम है, यहाँ पर जो TS डायग्राम है इसको भी आपको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए जो TS डायग्राम है इसको समझ लीजिए, यहाँ पर हमारा कोई TS यानी कि टेम्परेचर और एंट्रोपी में जो डायग्राम होगा वो किस प्रकार से बनेगा। तो ये आपका टी हो गया और ये आपका वी एक्सिस एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर जो है कांस्टेंट होगा क्या, आपका जो वैल्यूम है, तो वैल्यूम जब कांस्टेंट होगा तो देखिए इस प्रकार से हमारा कोई कर्व यहाँ पर जाएगा और ये हमारा ये S1 हो गया और ये हमारा जो गया ये S2 हो गया। अब देखिए PVT रिलेशन आपको एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि ये प्रोसेस है, आपको इसमें PVT रिलेशन या वर्क डन निकालना है या चेंज इन एंथैल्पी निकालना है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए या तो इसमें से न्यूमेरिकल भी आपका पूछा जा सकता है, याद रखेंगे तो आपको इसको समझ लेना है, न्यूमेरिकल आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए तो जनरल गैस इक्वेशन से अगर हम बात करें, जनरल गैस इक्वेशन से क्या, यहाँ पर जनरल गैस इक्वेशन है P1 V1 upon T1 = P2 V2 upon T2। तो देखिए उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारा क्या था, यहाँ पर वॉल्यूम जो था वो कांस्टेंट था, या चेंज इन वॉल्यूम अगर हम बात करें तो वो भी कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। यानी डेल्टा V बराबर 0 लिखें या V2 - V1 लिखें वो भी हमारा 0 होगा। देखिए अब V1 = V2 का क्यों हो गया, क्योंकि हमने बताया है आपको जो चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड कराया था उसमें हमने बताया था कि कांस्टेंट का क्या मीन्स होता है। कांस्टेंट का देखिए यहाँ पर जो मीन्स होता है वो क्या होता है कि कोई भी अगर हमारा जैसे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यानी इसकी जितने भी प्रोसेस होंगे, ठीक है, मतलब जो स्टेट होंगे वो इक्वल होंगे, जैसे V1 = V2 = V3 जितने भी हैं सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं V1 = V2 क्योंकि 1-2 चल रहे हैं। तो देखिए नाउ अब क्या करेंगे, अब हमारा P1 यहाँ से देखिए जो V1 जहाँ पर है वहाँ पर हम V2 रख देते हैं। यहाँ पर देखिए तो जहाँ पर हमारा V1 है यानी ये देखिए यहाँ पर V1 है तो हम V2 रख देते, तो P1 और देखिए P1 उसके बाद V2 रख दीजिए चाहे तो, उसके बाद अपॉन में T1 P2 इसको देखिए यहाँ पर अभी हमने शो क्यों नहीं किया वो भी हम आपको बताएंगे, आपको भी शो नहीं करना है। तो P2 और देखिए V2 अपॉन में T2, तो ये V2 से V2 कट जाएगा तभी आपका यहाँ पर फाइनली ये लिखा हुआ है। अब देखिए तो बचा क्या हमारा फाइनली, जब यहाँ से हम इसको एक जो क्वांटिटी है उसको एक साइड ले लेंगे यानी P1 अपॉन ये हमारा अपॉन में आ जाएगा P2 = T1 / T2 ये ऊपर चला जाएगा, तो T1 / T2 तो फाइनली हमारा जो
पीवीटी रिलेशन है वो आया P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन T2, ठीक है। यानी P प्रोपोर्शनल T यहाँ पर कह सकते हैं, P प्रोपोर्शनल T ये क्या है, गेलुशाक, ठीक है, गेलुशाक लॉ को ये फॉलो करता है। अब हम बात करेंगे वर्क डन, सेकंड नंबर पर आता है वर्क डन, कि इस प्रोसेस का वर्क डन कितना होगा। तो देखिए वर्क डन जो हमारा W1 to 2 प्रोसेस है, तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिए। देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो डेल्टा W होता है वो PdV के बराबर होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर जब हमें 1 to 2 पूरे प्रोसेस के लिए निकालना होगा, होल प्रोसेस के लिए, तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो 1 to 2 इंटीग्रेशन लगा देंगे, डेल्टा W या DW कह सकते हैं। इक्वल टू में P हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर P जो हमारा वो अचर वैल्यू है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे और DV एज इट इज़ रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए जब हम फाइनली इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हमारा 1 to 2 W हो गया, W 1 to 2, और P तो एज इट इज़ रहा, और ये हमारा V2 - V1 जब इसका जो देखिए लिमिट है वो हमारा खुल गया। अब हम जानते हैं वी नो दैट, चूँकि हमारा क्या है डेल्टा V बराबर ज़ीरो है, तो यहाँ से जो W निकलेगा, जो वर्क डन निकलेगा, वो यहाँ पर देखिए P तो एज इट इज़ रहा, V2 - V1 कितना है, ज़ीरो, तो यानी W जो हमारा है वो ज़ीरो है, यानी वर्क डन इक्वल टू ज़ीरो, यानी इसमें इस प्रोसेस में कोई भी वर्क डन नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, एक लाइन लिख देंगे, अतः इस प्रक्रम में गैस द्वारा निकाय पर कोई कार्य नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आपको पूछेगा कि इंटरनल एनर्जी में चेंजमेंट क्या होगा, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी डेल्टा U या U2 - U1 या U1 - U2। वी नो दैट डेल्टा U = mCV dT, ये आप जानते हैं, हमने बताया भी था। जब देखिए यहाँ पर जब हमने जनरल गैस इक्वेशन और यहाँ पर जब CP एंड CV में रिलेशन बताया था, तब भी हमने इसको बताया था। तो फाइनली जब पूरे होल प्रोसेस के लिए निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर ये तो हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, बट यहाँ पर देखिए इस प्रक्रम में देखिए जो इंटरनल एनर्जी है इसमें बढ़ोतरी होती है, ये भी आपको लिख देना है। इंटरनल एनर्जी में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पर देखिए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर U1 से 2 चला जाएगा, और ये तो हमारा कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, और ये हमारा यहाँ पर 1 to 2 लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया T2 - T1। देखिए ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा पूरा हो गया जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। अब यहाँ पर आपको हीट सप्लाइड की बात करें, यानी कि प्रदत्त ऊष्मा, तो ये क्या होगा यहाँ पर इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए। तो देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो डेल्टा Q बराबर होता है DU + DW। तो यहाँ पर DW जो है, हम जानते हैं कि अभी हमने निकाला है जो वर्क डन है वो ज़ीरो है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको जो DW रखना है वो ज़ीरो रखना है, तो DQ = DU + 0, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या आ गया, DQ = DU। पुट द वैल्यू ऑफ DU, यहाँ पर देखिए DU की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो जैसे ही हम वैल्यू DU की पुट करेंगे कहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर पुट जैसे ही करेंगे DU की जो वैल्यू है, तो देखिए यहाँ पर DU की वैल्यू जब जैसे यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए तो देखिए Q 1 से 2 प्रोसेस हमारा हो जाएगा MCV और T2 - T1, क्योंकि देखिए MCV तो हमारा कांस्टेंट था, बट यहाँ पर जो हमारा T2 - T1 है इसको हमने ऐसे एज इट इज़ रख दिया है, क्योंकि ये अभी यहाँ पर देखिए ये आपको हो गया। अब चेंज इन एंथैल्पी की अगर हम बात करें, तो चेंज इन एंथैल्पी यानी ∆H की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, वी नो दैट H बराबर जानते हैं, हमने बताया था एंथैल्पी, तो U + PV यानी PV + UV आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम H1 की अगर हम बात करें प्रोसेस 1 के लिए, तो U1 + P1 V1, H2 यानी प्रोसेस 2 के लिए, तो U2 + P2 V2। इसी प्रकार से हम इन दोनों को क्या करेंगे, इसको आप इक्वेशन मांग के भी सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों को घटाने पर लिख देंगे आप, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए जैसे H2 - H1 आप करेंगे, तो ये H2 की जो वैल्यू है, ये हमारा जो सेम क्वांटिटी उसको एक साथ ले लेंगे, तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये तो आपको कंपलसरी है, तो ठीक है, तो यहाँ पर इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये हमारा U2 - U1 हो गया, क्योंकि हम इसमें से घटा रहे हैं H2 से H1। तो उसके बाद प्लस का यहाँ पर देख लीजिए, अच्छा
प्लस का P2V2 और माइनस P1V1 हो गया। अब देखिए वी नो दैट, चूँकि हम जानते हैं कि PV इज इक्वल टू MRT होती है, MRT होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रोसेस वन के लिए P1V1 इज इक्वल टू MRT1, P2V2 इज इक्वल टू MRT2। ये हमने CV रिलेशन में भी बताया था। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर जहाँ जहाँ था, देखिए यहाँ पर जैसे P2V2 है तो यहाँ पर आपको MRT2 रख देना है, P1V1 है यहाँ पर MRT1 रख देना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। उसके बाद आपको कॉमन ले लेना है, देखिए कॉमन यहाँ पर MR मिल गया, और MR को कॉमन लेने के बाद हमारा बचा T2-T1 और ये एकदम एज इट इज़ बच गया। तो चूँकि DU हम जानते हैं कि जो MCV T2-T1 होता है, तो यहाँ से आपका जो देखिए इसे आप DU लिखें या U2-U1 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए S2-S1 जो हमारा आया वो कितना आया, देखिए हमारा फाइनली यहाँ पर अभी ये आया है। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए कॉमन लेते हैं पूरे में से M, इन पूरे में से M कॉमन लेते हैं, इस पूरे में से M कॉमन लेंगे तो हमारा T2-T1 हो जाएगा, CV+R हो जाएगा। यहाँ पर देखिए CV+R हो गया जैसे ही हमने कॉमन लिया। तो अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर CV कहाँ से आया है ये भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए CP-CV इक्वल टू हम जानते हैं R होता है, यही हमारा क्या है CP-CV में रिलेशन है, CP और CV में रिलेशन है। तो यहाँ से जब हम CP निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, यानी R+CV कहें और चाहे CV+R कहें एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए जो CV+R हुआ, देखिए जो हमारा क्या हुआ, जो CV+R है वो हमारा CP हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली हम देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि यहाँ पर CP, देखिए यहाँ पर देखिए इसको हमने क्या लिख दिया CP यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए फाइनली हमारा क्या आ गया, चेंज इन एंथैल्पी MCP T2-T1। देखिए ये हमारा प्रदत्त ऊष्मा जो था उसी के जैसा है, बट यहाँ पर CV था वहाँ पर CP है, यानी एट कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं, ये तो आपका हो गया चेंज इन एंथैल्पी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर, और इसी को बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, यानी इसमें जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जो है ये हमने बताया था सेम आपको लिख देना है, बस यहाँ पर कांस्टेंट जो है उसको आपको चेंज कर देना है, बाकी आपका सेम है। देखिए PV डायग्राम आपको यहाँ पर बना देना है प्रोसेस 1-2। तो यहाँ पर आपको देखिए ये V1 हो गया, ये V2 हो गया हमारा प्रोसेस, यहाँ पर देखिए 1 लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिनट ठीक है, उसका देखिए ये हमारा 1-2 इधर जा रहा है, यहाँ पर हमारा जो है वो प्रेशर कांस्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए आप देखेंगे TS डायग्राम में, तो यहाँ पर TS डायग्राम में यहाँ पर देखिए ये वाला जो है ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, और जो देखिए S1-S2 है वो भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो मिलेगा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा, और ये जो कर्व टाइप का बन रहा है यहाँ पर, ये हमारा प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए रिलेशन PVT रिलेशन सभी प्रोसेस में आपको बताना है, जितने भी हैं सभी में बताना है। तो रिलेशन अमाउंट PVT, तो देखिए जनरल गैस इक्वेशन से ये देखिए आपका यहाँ पर ये, अब यहाँ पर प्रेशर जो था वो कांस्टेंट था, तो यहाँ पर P1 होगा, वहाँ P2 लिख सकते हैं, P2 की जगह P1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको रख देना है। तो फाइनली आप जैसे ही उस प्रोसेस मतलब यहाँ पर रखेंगे P1 की जगह P2, तो आपका ये बचेगा, और इसको जब सेम क्वांटिटी लेंगे V1 को V2 के साथ, तो यहाँ पर ये हमारा अपॉन में आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा T1 के साथ T2। ये चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है, यही हमारा चार्ल्स लॉ होता है V=T। ठीक है, तो ये चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है। वॉकडन अगर हम बात करें इस प्रोसेस का, जो वॉकडन होगा वो क्या होगा, तो वी नो दैट DW या ΔW बराबर PdV होता है। तो प्रोसेस पूरे प्रोसेस के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होता है, तो इंटीग्रेशन हमने कर दिया, तो फाइनली देखिए यहाँ पर P जो है वो तो बाहर आ जाएगा, बट यहाँ पर DV जो है DV इसका हमारा इंटीग्रल हो जाएगा। तो देखिए V2-V1 हो जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में P का,
तो ये हमारा फाइनली बचेगा। अब हम जानते हैं कि पी वी बराबर एम आर टी होता है, तो वन के लिए हम निकालेंगे तो पी वी वन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पी जो है वो कांस्टेंट है, ये भी याद रखेंगे, बहुत ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर पी वन आप ना लिख दीजिएगा, पी वन वी वन और पी टू वी टू, क्योंकि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब यही कि इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो देखिए, तो यहाँ पर जैसे ही कोई चेंजमेंट नहीं होगा तो आपको यहाँ पर लिख देना है, देखिए जहाँ पर P2V2, यहाँ पर PV2 है वहाँ पर लिख देना है आपको MRT2 PV1 की जगह MRT1। देखिए एक एक चीज़ आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, सारा कुछ आपको समझने की बात है। ये कंपटीशन लेवल के नोट्स भी आपके लिए हो सकता है, बहुत काम आएगा इन फ्यूचर। यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर जो वर्कडन है वो हमारा क्या आ गया फाइनली, तो जैसे MR यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पर जब हमने वैल्यू पुटअप किया तो MR जब हमने कॉमन लिया तो फाइनली हमारा ये आ गया वर्कडन। अब हम बात करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। तो देखिए डेल्टा यू जो अगर हम निकालेंगे यहाँ से डेल्टा यू, तो ये क्या हो जाएगा, वी नो दैट MCV डेल्टा टी या DT, तो इसका जब होल प्रोसेस निकालेंगे तो इंटीग्रेशन करना होगा। देखिए तो MCV तो कॉन्स्टेंट है, बट यहाँ पर DT का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो T2 - T1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फाइनली हमारा यही हमारा जो हो गया, यही इंटरनल एनर्जी में चेंजमेंट हो गया। हीट सप्लाइड की बात करें डेल्टा की या DQ, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेल्टा U इज इक्वल टू DU + W। नेक्स्ट देखिए, देखिए यहाँ पर आप क्या करना है, देखिए ये जो प्रोसेस है ना चेंज इन एंथैल्पी वाला और जो हीट सप्लाइड है ये आपका एक प्रकार से सेम है, सारा कुछ याद रखेंगे, इसलिए आप एक को देख लेते हैं तो आपका याद बना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए पुट द वैल्यू ऑफ DU and DW, तो जो DU है और DW है जो आप यहाँ इस प्रोसेस से वर्कडन निकाला है और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अभी निकाला है तो उसको यहाँ पर पुट अप कर देना है, तो आपका DQ फाइंड हो जाएगा यहाँ से। तो जैसे आप पुट अप करेंगे, क्योंकि देखिए हमारा यहाँ से क्या आया, यहाँ से DU की वैल्यू जो है वो है MCV T2 - T1 और जो DW है MR T2 - T1। तो फाइनली यहाँ से M हम लेते हैं कॉमन, तो हमारा देखिए M और T2 - T1 यहाँ से हमारा कॉमन आ रहा है इन पूरे से, तो यहाँ पर हम यहाँ पर कॉमन ले लिया तो हमारा बचा क्या, CV + R। तो यहाँ पर देखिए CV + R, जैसे ये हमारा हमने बताया कि CV + R क्या होता है, ये हमारा होता है CP, CV + R इज इक्वल टू CP। तो देखिए अब फाइनली हमारा मतलब आया क्या, तो देखिए डेल्टा क्यू जो आया हीट सप्लाइड वो हमारा या हीट ट्रांसफ़र, ये हमारा आया MCP T2 - T1, यही हमारा प्रूव्ड हो गया। अब हम बात करते हैं चेंज इन एंथैल्पी, तो चेंज इन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो देखिए वी नो दैट U + PV, तो H1 H2 आप वो इसी प्रकार से आप लिखेंगे, फाइनली आप इसको सबट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन मान के या बिना इक्वेशन के भी। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ से आपने जैसे ही सब कुछ घटाया इक्वेशन को या ऐसे ही, ठीक है, तो आपका बचा क्या, यहाँ से आपको यहाँ से M और T2 - T1 कॉमन मिल गया, CV + R बच गया। तो ये हमारा, आप इसको डायरेक्टली आप CP भी लिख सकते हैं या आप R की जगह, आप क्योंकि CP - CV = R होता है, तो आप इसकी जगह R की जगह ये लिख सकते हैं, फिर फाइनली कट जाएगा तो हमारा बचेगा CP, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो हमने समझाने के लिए लिखा है आप लोगों को। तो फाइनली इसका भी देखिए सेम आया है डेल्टा एच जो है MCP T2 - T1। तो देखिए यहाँ पर आप दो पॉइंट लिख देंगे नोट पॉइंट, कि डेल्टा यू जो है आल प्रोसेस के लिए हमारा सेम होता है, और जो बट अगर ऑनली हम बात करें कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके लिए डेल्टा यू जीरो होता है, और सेकंड जो नोट है वो आपका मतलब डेल्टा एच जो होगा वो आल प्रोसेस के लिए सेम होगा, बट ऑनली यहाँ पर जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके लिए केवल क्या होगा, डेल्टा एच शून्य होगा, याद रखना इसको। कंपटीशन में कई बार ये क्वेश्चन बना है एंथैल्पी वाला DH = 0। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर की अगर हम बात करें, इसे आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पर सेम आपको वही लिखना है, इसको चेंज कर देना था बस, ठीक है। सभी में देखिए PV डायग्राम आप देख लीजिए और PTS डायग्राम भी देख लीजिए, ये आप बना देते एग्जाम में, तो कुछ ना आप कुछ ना लिखें, अगर ये डायग्राम बना दी तो तब भी आपको नंबर मिल जाते हैं, बट पूरे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1-2 प्रोसेस किसको फॉलो कर रहा है, जो इसमें कांस्टेंट क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और देखिए यहाँ से हमारा वॉल्यूम बढ़ा, बढ़ते बढ़ते हमारा V2 तक पहुँच गया,
और इसी प्रकार से यहाँ पर P1 से P2 यानी P2 से P1B या P1 से P2। इसी प्रकार TR डायग्राम आप देख लीजिए, सिंपल है, वेरी सिंपल, ठीक है। टी कॉन्स्टेंट यहाँ पर प्रोसेस 1 to 2। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर है ये प्रोसेस 2 नीचे है, ठीक है। रिलेशन PVT यानी PVT में रिलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से इस प्रोसेस के लिए रिलेशन निकालते हैं। तो जनरल गैस इक्वेशन जानते हैं आप, जनरल गैस इक्वेशन ये है और यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जहाँ टेम्परेचर है यहाँ पर ये हमारा दोनों बराबर होगा, तो फाइनली ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, बचेगा यही। तो जब यही बचेगा तो ये हमारा जो है इसमें जो PV होगा, यानी कि इसका मतलब क्या है, PV कांस्टेंट है और ये हमारा बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि बॉयल्स लॉ क्या होता है, P proportional 1/V, ठीक है। तो आप बॉयल्स लॉ को यहाँ पर लिख देंगे, बॉयल्स लॉ, वर्क डन इससे निकालेंगे तो वी नो दैट ΔW/PdV स्टेट 1 to 2, ठीक है, 1 से 2 तक। तो देखिए यहाँ से होल प्रोसेस के लिए इंटीग्रेशन करना होगा, पी हमारा कौन मतलब क्या है बाहर आ जाएगा, और यहाँ से डीवी जो है, देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट ऐसा करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इसको लेट कर देते हैं। तो देखिए पीवी जो, चूँकि पीवी हमारा क्या है कौन मतलब पीवी इक्वल टू P1V1 है, क्योंकि यहाँ पर पीवी क्या था, कांस्टेंट था, तो P1V1 भी लिख सकते हैं, या इसी को बराबर में क्या लिख सकते हैं, P2V2। हमने बताया कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी स्टेट है वो बराबर होगी, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो किसी की भी जगह किसी को भी ले सकते हैं। तो देखिए अब P बराबर यहाँ से अगर हम बात करें, तो P बराबर यहाँ से अगर हम निकालें, इसी को हम सिर्फ स्टेट 1 के लिए माने, तो हमारा ये होगा, और यहाँ से P निकालेंगे तो हमारा ये आ जाएगा P1V1 / में ये वाले जो V है ये हमारा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से P को जो वैल्यू है यहाँ पर जो हमने निकाला ये, इसको रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पर हमने फाइनली रख दिया, उसके बाद देखिए ये हमारा जो DV और अपॉन में V है, ये तो आप कैलकुलेट करना जानते हैं कि हमारा जो सेम क्वांटिटी होती है, तो वो हम उसको हम एक साइड लेते हैं। तो P1V1 हमारा ये बाहर आ जाएगा, बट यहाँ पर DV/V जो है इसका हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1/V का इंटीग्रेशन लॉग होता है, ठीक है। तो ln यहाँ पर शो करते हैं, तो देखिए ln, उसके बाद V जो है, यानी देखिए DV/1/V का जो अगर हम इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, लॉग V। तो यहाँ पर लॉग जो V है, तो यहाँ पर 1 से 2 है, यहाँ पर देखिए 1 से 2 बना हुआ है, यहाँ पर इस इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दिया, फाइनली हमारा ये आ गया। अब देखिए ये एज इट इज़ रहा। अब ये हमारा जो है, इसको जब हम लिमिट इसको ओपन करेंगे तो लॉग V2 - log V1 हो जाएगा। अब फाइनली इसको आप देखिए, यहाँ से वर्कडन जो है P1V1 log, अब देखिए log M - N, ठीक है, ये हमारा देखिए log M - log N, ये किसका फार्मूला है, तो ये log M/N का फार्मूला है। तो फाइनली यहाँ पर हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया है, क्योंकि P1V1 = P2V2 या PV कह सकते हैं, तो यहाँ से देखिए फाइनली हमारा आया क्या, P1/P2 = V2/V1। देखिए इसी प्रकार से हम वर्कडन अगर हम बात करें तो पी के फॉर्म में, क्योंकि ये देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको तो आपको एज इट इज़ लिखना है, बट यहाँ पर ये हम जानते हैं कि अभी जैसे हमने बताया, तो अब पी के फॉर्म में ये जो वी के फॉर्म में, इसको हम पी के फॉर्म में हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसलिए हमने इसको लिखा है। तो देखिए पी के फॉर्म में हमारा, हमने बताया कि जहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर से देखिए आप, ताकि जो समझ में आए, ये जो P1V, देखिए ये जो हमने निकाला किस लिए निकाला, कि ये हमारा ये जो लिखा है ये हम इसको ये लिख सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा है। जो देखिए आप फाइनली ये लिख सकते हैं, उसके बाद चूँकि P1V1 = MRT होता है, तो यहाँ से टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आपका इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, तो MRT ये रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये हमारा MRT हो गया, और जो ये हमारा ये एज इट इज़ रहा। तो देखिए फाइनली अगर इसको आप क्या करेंगे, जब लॉग ओपन कर मतलब हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो यहाँ से देखिए फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे ही आप हटाते हैं, तो यहाँ पर 2.303 MRT log P1/P2, या आप इसी को लिख सकते हैं वी के फॉर्म में V2/V1। तो फाइनली यही आपका आता है वर्क डन। अब हम बात करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी की इसमें, तो वी नो दैट ये आप जानते हैं
की डेटा यूज कर टू MCVDT होता है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो इसका फुल प्रोसेस के लिए निकालेंगे तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ये तो हमारा बाहर आ जाएगा, बट इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यानी डेल्टा टी जो होगा वो जीरो होगा, या टी टू माइनस टी वन क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर देखिए U1 अभी हमने निकाला था, जस्ट यहाँ पर देखिए U1 माइनस U2 ये तो एज इट इज़ लिखा है, बाकी MCV इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये हमारा क्या जीरो है, तो यानी जीरो मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली हमारा जो इंटरनल एनर्जी होगी वो हमारा जीरो आएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो देखिए ये सभी आपको अगर समझ में आ रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो आप लोग लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर भी करें, ठीक है। अब इसके बाद जो आपको क्लास मिलेगी वो EM की मिलेगी, EM की। देखिए वीडियो को जो स्टूडेंट ने पूरा देख लिया उसकी तो 100% बैक नहीं लगेगी और अच्छे मार्क्स वो पाएगा, क्योंकि समझ यहाँ पर देखिए बहुत इजी फॉर्म में हम समझा रहे हैं और बहुत ही इजी फॉर्म में आपका नोट्स यहाँ पर क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो आपको देखिए इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना है, क्योंकि इंस्टाग्राम आपके फाइनली आप लोग के लिए वहाँ पर क्रिएट किया गया है, वो भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो देखिए सारा कुछ वहीं पर आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए विनोद, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर हीट सप्लाइड या हीट ट्रांसफर की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पर देखिए डेल्टा यू हमने जो कि जीरो निकाला है, और जो हमारा अभी हमने निकाला है कि जो डेल्टा, देखिए अब जब जीरो निकाला तो यहाँ पर जीरो रख देंगे तो फाइनली ये इसके बराबर ही रहेगा, तो फाइनली हमारा डेल्टा क्यू डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू हो गया। अब इसमें नोट पॉइंट लिखना है आपको कि इस प्रक्रम में संपूर्ण ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाती है, यानी जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, अतः निकाय की गैसें जो होती हैं आदर्श गैस की तरह बिहेव करने लगती हैं। जब ये चेंज होगा इसमें तो ये क्या करने लगेंगी, वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगी। चेंज इन एंट्रोपी की एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो देखिए वी नो दैट, या आप इसको बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। H1 H2 हमने बताया था H बराबर PV प्लस U, तो उसी प्रकार से आपको इक्वेशन करके आपको H2 माइनस H1 यानी इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को घटा देना है। तो फाइनली जब घटाएंगे तो आपका ये आएगा, जिस प्रकार से अभी आप घटाते रहें ऊपर वाले ये आप लिख देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर T2 यानी डेल्टा ये जो है ये जीरो है, तो फाइनली आपको जीरो रख देना है, यानी यहाँ पर भी क्या होगा, जो डेल्टा H है वो आपका जीरो आएगा, यानी H2 माइनस H1 क्या होगा, जीरो आएगा। अब देखिए अगर हम बात करें अब नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट तो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या है, कांस्टेंट एंट्रोपी, या इसी को बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। ये आपका इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ये आपका एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इसको मिलने के चांस है, और एक आइसोथर्मल प्रोसेस का। तो यहाँ पर देखिए ऐसे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं, यानी एंट्रोपी क्या है, इसमें कॉन्स्टेंट है तो इसे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं। इस प्रक्रम में S जो होता है यानी जो एंट्रोपी होती है वो कांस्टेंट होती है, और इस प्रक्रम में निकाय में परिवेश द्वारा किसी प्रकार का ऊष्मा अंतरण यानी हीट ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए ऊष्मा अंतरण की दृष्टि से निकाय कुचालक माना जाता है, यानी कि जब ऊष्मा जो है उसका अगर अंतरण मतलब हो रहा है या तो किसी भी मतलब सिस्टम में, तो उसे क्या मानते हैं, कुचालक मानते हैं। PV डायग्राम और TS डायग्राम आप यहाँ पर देख लीजिए, तो P एक्सिस V एक्सिस यहाँ पर देखिए वॉल्यूम, देखिए यहाँ पर प्रोसेस 1 to 2 जो होगा वो हमारा S यानी एंट्रोपी जो होगी वो कांस्टेंट होगी, यहाँ पर जो TS है वो वेरी सिंपल है, 1 to 2 प्रोसेस S इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए PVT रिलेशन इसमें हम बात करें तो PVT रिलेशन जो होगा, PVT रिलेशन हमारा क्या आएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो देखिए ये हमारा होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और यहाँ पर अगर हम बात करें, चूँकि हमारा डी क्यू क्या है, वो हमारा ज़ीरो है, तो देखिए जब हमारा ज़ीरो है तो फाइनली जब हम डी क्यू यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे इसकी जगह, तो फाइनली हमारा यही बचेगा, तो यानी ज़ीरो बराबर ये डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो यहाँ से डी यू प्लस डी डब्ल्यू बराबर ज़ीरो, यानी फाइनली हमारा ये क्या हुआ, यही हमारा इसका देखिए उसके बाद देखिए आप यहाँ पर वैल्यू अगर पुट अप कर देते तो इसका ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी प्रूव्ड हो जाएगा। DU जो हम जहाँ मतलब अगर हम बात करें तो DU बराबर क्या होता है, MCVDT, और DW की अगर हम वैल्यू की बात करें तो PDV होता है, ये आप जानते हैं। तो फाइनली दोनों को इस इक्वेशन इसे मान लीजिए, या आप ना माने तो लिख देंगे कि यहाँ पर इन दोनों का DU और DW का मान रखने पर, तो फाइनली आप ये मान जैसे ही रखते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे ही आप रखेंगे तो अब यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर देखिए
अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन से यानी पी वी इक्वल टू एम आर टी जो होता है, इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करने पर, क्योंकि होल प्रोसेस के लिए आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू एम आर टी डी टू हो जाएगा। तो यहाँ से डी टी की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हमारा देखिए ये एज इट इज रहेगा, ये एम आर जो है ये अपॉन में आ जाएगा। तो फाइनली पुट द वैल्यू ऑफ डी टी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो डी टी हमने क्यों निकाला, क्योंकि देखिए यहाँ पर डी टी जो है वो हमें वैल्यू इसकी नहीं पता है, जब तक डी टी की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो तभी हमने यहाँ से क्या किया, डी टी की यहाँ से वैल्यू निकाला। अब ये जो डी टी है वो इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देते हैं। तो फाइनली जैसे हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा इस प्रकार से हमने इसको रख दिया है इक्वेशन फर्स्ट में, यही हमारा डी टी की वैल्यू है। अब बराबर में जीरो चल रहा है, तो यहाँ से देखिए एम हमारा इस पूरे से एम हमारा कॉमन मिला, ऊपर एम कॉमन मिला तो पी डी वी इंटू आर हो गया प्लस सी वी, और ये दो जो हमारा है इसको देखिए पी डी वी प्लस वी डी पी, और अपान में एम आर है तो एम से एम कट जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या, देखिए यहाँ पर ये तो हमारा एज इट इज़ बचा रहा ऊपर वाला, और यहाँ पर देखिए इक्वल टू में जीरो है, और जो आर है ये हमारा इससे मल्टीप्लाई होकर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप जानते हैं सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर होता है, तो जहाँ जहाँ आपका आर है वहाँ सी पी माइनस सी वी रख देते हैं। तो यहाँ पर आर है सी पी माइनस, ये देखिए पी डी वी सी पी माइनस सी वी लिख दिया प्लस का, यहाँ पर ये तो एज इट इज़ है, ये भी आपका एज इट इज़ है, ये बराबर में जीरो चल रहा है। तो देखिए इसका फाइनली क्या करते हैं, दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा फाइनली ये, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए डिवाइडिंग पी वी सी वी इन इक्वेशन सेकंड, यानी हम ये जो इक्वेशन सेकंड आपको दिख रहा है इसमें हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें पी वी सी वी से। ठीक है, पी वी सी वी से, तो देखिए डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमारा बचा क्या, ये तो हमारा पी से पी डिवाइड हो गया, और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या डिवाइड हुआ हमारा, सी वी से सी वी डिवाइड हो गया और वी से वी डिवाइड हो गया। तो फाइनली बचा क्या, सी पी अपॉन में सी वी और डी वी अपॉन में डी वी, देखिए प्लस में डी पी अपॉन डी पी पी इक्वल टू जीरो। तो यानी ये जो है सी पी अपॉन सी वी, ये हमने बताया था रिलेशन जब कराया था, रिलेशन किस में कराया था, जब सी पी एंड सी वी में कराया था तब हमने बताया था कि जो सी पी और सी वी, जब हमने इसमें से सी वी कॉमन लिया था तो यानी जो हमारा सी पी अपॉन सी वी फाइनल बचा था तो वो हमारा क्या होता था, यही हमारा गामा होता था, इसको बोले थे हम क्या, एडियाबैटिक इंडेक्स यानी रुद्धोष्म में गुणांक। अब देखिए ये फाइनली आप जान गए, तो देखिए यहाँ से हमारा ये तो गामा हो गया और डी वी हो गया और डी पी प्लस डी पी अपन पी इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन थर्ड आप मान लीजिए। अब देखिए इक्वेशन थर्ड जो है इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, फाइनली आपका यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए इसका जब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो एल एन यानी लॉग एन पी हो जाएगा और लैम्डा यहाँ पर हो जाएगा लॉग एन वी। तो देखिए ये हम जानते हैं कि पी वी की पावर गामा जो होता है ये कांस्टेंट होगा, और देखिए यहाँ से हम प्रोसेस वन टू टू की बात करें तो यहाँ पर वन वन लगा दीजिएगा, टू टू लगा दीजिएगा, यानी पी वन वी वन की पावर गामा इक्वल टू पी टू वी टू की पावर गामा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से पी वन एक साइड लेते हैं क्वांटिटी को, जो यहाँ पर पी वन अपॉन पी टू हो जाएगा, और यहाँ से वी टू अपॉन वी वन की पावर होल गामा हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही गामा है। तो फाइनली यहाँ से देखिए अब हम V2 अपॉन, या ये तो हमारा P के फॉर्म में निकल गया, V के फॉर्म में क्या निकलेगा, ये हमारा 1 अपॉन गामा हो जाएगा, ये हमारा मैटर करता है। आप देखिए जनरल गैस इक्वेशन से ये आप लिख देंगे जनरल गैस इक्वेशन, तो फाइनली यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, T2 अपॉन में T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन में P1 V1। ठीक है, ये आपका देखिए यहीं से निकला हुआ है, कोई घबराने वाली बात नहीं, ये इसी इक्वेशन से निकला हुआ जनरल गैस इक्वेशन से, बस T2 ये जो T का फॉर्म है ये हमने एक साथ लिया, बाकी इसका इसी की वैल्यू हमने निकाली है। तो फाइनली आप इस प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं कि जो हमने P2 निकाला है T2 अपॉन T1, ये इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसको आप देख लीजिए, V2 अपॉन V1 अपॉन में P1 अपॉन P2 है, तो ये जैसे ही ऊपर जाएगा, ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर इसकी जगह हमने बताया था कि क्या लिखा है, यहाँ पर अभी हमने बॉक्स भी बनाया, उसमें आप देख लीजिए P1 अपॉन P2 जो है ये हमारा, इसको देखिए ध्यान से, इसको आप देख लीजिए, इसकी जगह V2 अपॉन V1 की पावर गामा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। आप फाइनली यहाँ पर देखिए T2 अपॉन T1, यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये सभी बराबर हैं तीनों आपस में,
तो यहाँ पर देखिए इसकी जगह हम वी टू अपॉन वी वन वन माइनस गामा लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ से टी टू अपॉन टी वन वी वन, अगर हम जब इसको क्या करेंगे, अभी तो ये वी टू अपॉन वी वन है, वी वन अपॉन वी टू करेंगे तो वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, वन माइनस गामा तो गामा माइनस वन हो जाएगा। फिर से यहाँ पर देखिए पी के फॉर्म में, तो ये हमारा गामा माइनस वन अपॉन गामा हो जाएगा, क्योंकि गामा का डिवाइडेशन हो जाएगा। वर्क डन अगर हम बात करें तो वर्क डन यहाँ पर आप जानते हैं कि वी नो दैट आपका डी डब्ल्यू जो होता है, डी वी डेल्टा डब्ल्यू होता है, वो पी डी वी होता है। फाइनली इसको इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, तो ये आप जानते हैं कि पी विथ पावर गामा इज इक्वल टू सी होता, मतलब कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से आप देखिए यहाँ से पी की वैल्यू निकालेंगे तो पी बराबर सी अपॉन वी की पावर गामा, क्योंकि पी की वैल्यू हमने इसलिए निकाला, यहाँ पर वैल्यू हमको पुटअप करना है। इक्वेशन फर्स्ट आप मान सकते हैं इसको, आप देखिए पुट द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे आप इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुटअप करेंगे तो देखिए डी वी अपॉन में वी होना चाहिए, ज़रूरी है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ लिख दिया, इसको बाहर निकाल दिया, कॉन्स्टेंट। देखिए तो फाइनली जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा v की पावर माइनस गामा और dv हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम क्या करेंगे, देखिए p आप इस इक्वेशन जानते हैं, तो यहाँ से आप देखिए v2 माइनस गामा प्लस वन हो जाएगा, और माइनस का v1 माइनस का गामा प्लस वन हो जाएगा। आप जाकर इक्वेशन में देखिए, ठीक है, इक्वेशन में अभी जो हमने बताया था इस प्रकार से देखिए इसको समझ भी सकते हैं। फिर से देखिए यही आया, इसी इक्वेशन से हमने इसको बनाया। अब देखिए फिर से वर्क डन जब निकालेंगे तो ये तो V1 के देखिए यहाँ पर, ये तो जहाँ पर हमने बताया था पी वी इक्वल टू एम आर टी होता है, तो M तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि M से मतलब नहीं है, ठीक है, पी वी इक्वल टू आर टी भी लिखते हैं कहीं कहीं। तो यहाँ पर देखिए M किलोग्राम, जब M जो किलोग्राम जो होता है यानी जो मास होता है वो वन हो तब आर टी होता है, ओनली फॉर ओनली। यहाँ पर देखिए इससे अगर हम बात करें, चूँकि हमारा ये होता है, तो यहाँ से पी टू वी टू की पावर गामा और वी टू की पावर माइनस गामा प्लस वन, और इसी को वन के फॉर्म में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, वन माइनस गामा एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से देखिए वर्क डन जो हमारा, यहाँ से हमारा कैलकुलेट जो हुआ, तो हमारा कैलकुलेट क्या हुआ, पी टू वी टू, और देखिए ये जो गामा है, ये पावर जो है, इनको आप घट जो भी होगा इसको देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए गामा माइनस गामा और प्लस वन, यानी फाइनली आपका गामा गामा खत्म, वन से कोई मतलब नहीं, किसी की पावर भी वन हो वो वही रहता है। इसी प्रकार से आप इसको भी कर लेंगे, तो देखिए फाइनली हमारा वन माइनस गामा बचा। तो अब हम इसको देखिए पी वी बराबर, देखिए यहाँ पर पी वी बराबर एम आर टी होता है, तो यहाँ से हम वन के लिए हमारा ये हो जाएगा और टू के लिए हमारा ये हो जाएगा। तो फाइनली हम यहाँ से जो है ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, तो जब हम कॉमन लेंगे तो फाइनली हमारा ये प्रूव्ड हो जाएगा। दैट्स इट, ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। अब देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, तो देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है, अगर हम बात करें वी नो दैट डी, ये हम जानते हैं कि डी यू जो होता है वो हमारा एम सी वी डी टी होता है। तो फाइनली आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, डी देखिए यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, यू वन इजक्वल टू एम सी वी टी वन और यू टू इजक्वल टू एम सी वी टी टू, तो एम सी वी कॉमन मिल जाएगा, या आप इन दोनों को इक्वेशन मान के सॉल्व कर सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड से घटाने पर या सेकंड से फर्स्ट को घटाने पर। तो फाइनली आपका ये बचेगा, या फिर आप इसको देखिए यहाँ पर देखिए डेल डी टी को टी टू माइनस टी वन लिखते हैं, तो फाइनली यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, यही हमारा फाइनल प्रूव हो जाएगा। हीट ट्रांसफर, यहाँ पर हीट सप्लाइड या हीट ट्रांसफर, देखिए इस प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो हमारा डी क्यू जो होगा वो जीरो होगा। फाइनली चेंज इन देखिए चेंज इन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो वी नो दैट एस टू, ये देखिए आपका वहीं से निकला है जो हम बार बार इसको बताते आ रहे हैं, ये सभी के लिए हमने बताया था सेम होता है, ठीक है, तो आप इसे लिख देंगे। अब कुछ नोट पॉइंट है, इस प्रोसेस में जब गैसेस का क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, तो तब क्या होता है, जो टेम्परेचर घटता है, और अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए टेम्परेचर क्यों घटता है ये भी हम बात कर लेते हैं। देखिए टेम्परेचर घटता क्यों, आखिर टेम्परेचर जो है वो घटता क्यों है, तो देखिए टेम्परेचर इसलिए घटता है क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, यूज होती है, तो हमारा टेम्परेचर घटता है। सेकेंड नोट पॉइंट है कि, और देखिए इसके बाद अगर हम बात करें तो, और गैस का जो होता है कंप्रेशन अगर होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि डेल्टा यू क्या होता है, संचित होती है, डेल्टा यू क्या होती है, स्टोर होती रहती है। फाइव प्रोसेस जो है वो है पॉलीट्रॉपिक,
पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है इसको ध्यान से देखिए। तो ये देखिए, इसको देखिए पहले ध्यान से। इसे गैसों का सामान्य प्रसारण एवं संपीड़न नियम भी कहते हैं, यानी इस प्रोसेस में क्या होता है, गैसों का कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन होता है। ये जो इसको अगर हम बात करें कि इस प्रोसेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो पीवी की पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट या सी, ठीक है। अब देखिए एन जो इसमें है वो है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, यानी बहुविधि गुणांक। अब देखिए वैल्यू अगर हम बात करें एन की क्या होती है, तो एन की जो वैल्यू होती है वो ये कंपटीशन में कई बार पूछा गया, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो बिटवीन होती है ज़ीरो टू इनफाइनाइट, ज़ीरो से इनफाइनाइट तक की इसकी वैल्यू आती है, अगर एन आप कोई किसी भी फंक्शन का निकालते किसी प्रोसेस का। देखिए पीवी डायग्राम देख लीजिए और टीएस डायग्राम देख लीजिए, वेरी सिंपल है, एक ही जैसा बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। फिर पीवीटी रिलेशन की अगर हम बात करें, तो पीवीटी रिलेशन देखिए यहाँ पर, ये आप जानते हैं पीवी की पावर जो अभी हमने बताया, क्योंकि इसी को फॉलो करता है, इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको इसी से करना है। तो देखिए आप वन और टू के लिए आप वन और टू लगा देंगे, काम खत्म। तो यहाँ से आप जैसे ही निकालेंगे टेम्परेचर के लिए, देखिए टेम्परेचर, क्योंकि ये हम जानते हैं कि ये हमारा होता है T2/T1, अभी हमने निकाला जस्ट, देखिए इसको देख लीजिए। और अगर हम बात करें, देखिए ये तो हमारा T के फॉर्म में होगा, तो V के फॉर्म में हमारा इसको जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 1/N हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर T और V के फॉर्म में, यहाँ पर V और P के फॉर्म में। आप फाइनली देखिए वर्क डन की अगर हम बात करें, तो ये आप जानते हैं कि ΔW जो होता है वो PdV के होता है। यहाँ से होल प्रोसेस के लिए इंटीग्रेशन करना होगा, ये चूँकि ये हम जानते हैं ये होता है, तो यहाँ से हम P की वैल्यू निकाल लेंगे और P की वैल्यू निकाल कर इसमें पुटअप कर देंगे। तो जैसे ही पुटअप करेंगे, तो देखिए पुटअप करने पर इसको आप सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रेशन करके। इंटीग्रेशन करने के बाद आपका जो पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन, अगर हम बात करें पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन जो होती है ये होती है। और जैसे ही आप इसका यूज करते हैं, इसको रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर फिर जैसे ही आप यहाँ पर रखेंगे, तो फाइनली जैसे हमने आगे बताया उसी प्रकार से इसको भी आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ से फाइनली हमारा बचेगा क्या, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारी वैल्यू बचेगी जो आगे बची हुई थी। और यहाँ पर देखिए वी नो दैट PV इक्वल टू MRT होता है, तो यहाँ से आप MRT मतलब यहाँ से अलग अलग यहाँ पर देखिए यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। देखिए यहाँ पर P2V2 है, तो यहाँ पर MRT2 रख देंगे, और माइनस P1V1 है तो MRT1 रख देंगे। अब यहाँ से MR कॉमन हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा, यही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये माइनस में N+1 चल रहा है, तो इसको आप इसी प्रकार से लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर देखिए वर्क डन फाइनली हमारा क्या आ गया यहाँ पर एन माइनस, यहाँ पर देखिए T2 माइनस T1 था, तो आप सोच रहे होंगे कि एन माइनस वन कैसे हो गया, यहाँ पर तो माइनस एन लिखा हुआ है, तो देखिए T2 माइनस T1 है, तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर आगे T1 हो गया है, ठीक है, तो T1 माइनस T2 कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए फाइनली आपका m इक्वल टू 1 है किसी भी गैस के लिए अगर हम बात करें, तो यहाँ पर R T1 माइनस T2 / N-1 यही हमारा प्रूव होता है, यही हमारा वर्क डन आता है इस प्रोसेस के लिए। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करें, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगी वो हमारे देखिए हम जानते हैं, उसके बाद यहाँ पर हमारा T2 - T1 बस ΔT जो है वो हमारा T2 - T1 होता है, दैट्स इट। हीट ट्रांसफर्ड या देखिए हीट सप्लाइड की बात करें, तो वी नो दैट आपका ये आप जानते हैं, ठीक है। तो वर्क डन जो है उसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, जो ΔU है आप इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो फाइनली इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और देखिए CP - CV जो हमारा होता है वो R होता है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए CP जो होगा, फाइनली देखिए यहाँ पर बताने का मीन्स क्या है कि जो हमने बताया था यहाँ पर उसका यूज लगने वाला है, कि जो हमने CP एंड CV में जो रिलेशन बताया था उसको अगर आपको ध्यान से पता है तो आप यहाँ पर कर ले जाएंगे। देखिए इस ये पूरा मैटर नहीं करता है, ठीक है, ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक मैटर नहीं करता है, बस आपको ये अगर याद है तो ये हमने बताया था। देखिए फाइनली आप इसको समझिएगा CP - CV इक्वल टू R, तो यहाँ से हमने बताया था यहाँ से CV को कॉमन लेना है, तो CP यहाँ से जब CV कॉमन लेंगे तो CP / CV और यहाँ पर माइनस ये तो 1 हो जाएगा इक्वल टू में R हो जाएगा। तो ये हमने बताया था गामा होता है, तो गामा -1 और इक्वल टू में R,
तो आर बराबर देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर गामा माइनस वन इक्वल टू आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर देखिए हमने क्या वहाँ पर जो हुआ था, यहाँ पर देखिए एक मिनट मिस्टेक हो रहा है, पर देखिए यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर ये मिस्टेक हो रही है कि यहाँ पर हमने सी वी कॉमन लिया तो यहाँ पर सी वी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सी वी जहाँ जहाँ है यहाँ पर सी वी लिख दीजिए। तो जब आर निकालेंगे तो देखिए यहाँ से सी वी की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो फाइनली देखिए इसको हम लिख देते हैं फिर से सी वी आर माइनस, एक मिनट देखिए सी वी गामा माइनस वन और इक्वल टू में आर। तो यहाँ से सी वी की जब वैल्यू निकालेंगे तो आर अपॉन में गामा माइनस वन हो जाएगा, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको इतना ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है, ना भी लिखें कोई दिक्कत नहीं, बस आप वी नो दैट सी वी इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन लिख कर आप दिखा सकते हैं वहाँ पर। पुट द वैल्यू ऑफ सी वी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जो सी वी है इसको इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देते हैं। तो फाइनली देखिए इसको सॉल्व कर देंगे आप, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व तो कर ही लेंगे, यहाँ पे कॉमन लेकर इसको सॉल्व कर देंगे। तो फाइनली जब कॉमन लेंगे एलसीएम लेंगे तो हमारा जो कट जाएगा, उसके बाद देखिए फाइनली बचेगा क्या, तो फाइनली हमारा बचेगा क्या, यहाँ पर देखिए ये हमारा कट जाएगा माइनस प्लस वन, यहाँ से हमारा बचेगा देखिए ये बचा, उसके बाद हमारा इसके साथ देखिए यहाँ पर क्या हो गया, फाइनली हमारा एम आर टी वन माइनस टी टू उसके बाद अपॉन में एन माइनस वन, यहाँ पर हमने इसको इसके साथ ले लिया है, और जो गामा माइनस एन है इसको हमने गामा माइनस वन के मतलब गामा गामा के साथ और एन को एन के साथ, या एन का जो है उसको हमने सेपरेट कर लिया। यहाँ पर देखिए ये जो हमने निकाला था ये आपका वॉकडन था, जो अभी हमने वॉकडन निकाला ये वॉकडन है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। और देखिए गामा माइनस एन अपॉन में आर माइनस अल्फा जो हमारा, यही हमारा प्रूव्ड हो गया, यानी पूरा ये प्रूव्ड हो गया। चेंज इन एंथैल्पी की बात करें तो आपका सेम है, हमने बताया था सभी प्रोसेस के लिए सेम होता है। पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की गणना अगर आपको करनी है, यानी जो गामा होता है सॉरी एक मिनट पी वी की पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो उसको कैसे निकालेंगे आप, सबसे पहले आप क्या करेंगे देखिए किसके लिए अगर आपको निकालना, अगर आपको निकालना है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस तो आपको अगर निकालना है देखिए ट्रैकिंग, यहाँ पर अगर निकालना है आपको पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स किसी भी प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर पी की पावर, क्योंकि हम जानते हैं पी वी की पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो वन स्टेट वन टू टू की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा। तो टेकिंग बोथ साइड लॉग, यानी आपको लॉग लेना है दोनों तरफ, और लॉग लेने के बाद फाइनली इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए लॉग लेंगे तो यहाँ पर देखिए लॉग बेस्ड एन, तो ये आपका कोई मैटर नहीं करता है, पी वन और प्लस एन, एन आपका आगे आ जाएगा क्योंकि देखिए लॉग जो हमारा एन होता है, ठीक है, लॉग एम की पावर एन, तो ये हमारा एम एन लॉग एम हो जाता है, तो एन हमारा आगे आ गया, ये हमारा एज इट इज़ रहा पी वन। इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे, मतलब इसको भी लिख देंगे, फार्मूला खोलना है ओनली। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आप जो वी वन है वी वन का टर्म है मतलब वी का टर्म है उसको एक साथ लेना है, जैसे ये वाला वी टू ये वाला वी वन इसको साथ में लेना है, इसको साथ में लेना है। तो ये देख लीजिएगा माइनस प्लस, आप वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। देखिए उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए ये बचा मतलब जो लॉग एम माइनस एन होता है वो हमारा लॉग एम अपॉन एन होता है, तो यानी ये हमारा इसके अपॉन में आ गया, और ये हमारा इसी प्रकार से इसको भी आप लिख सकते हैं पी टू अपॉन पी वन। अब फाइनली एन की यहाँ से वैल्यू जो निकली वो निकली है देखिए लॉग बेस टेन माइनस का लॉग बेस टेन पी टू अपॉन पी वन और वी वन अपॉन वी टू, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ इस प्रकार से आप निकालेंगे किसी भी जो हमारा पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है उसकी वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर नोट पॉइंट आप लिखिएगा, सभी प्रक्रम पॉलीट्रॉपिक के एग्जांपल होते हैं, ये भी आप लिख दीजिएगा। जैसे अगर हम बात करें एन बराबर जीरो जो होता है, पी वी बराबर पी वी नॉट बराबर कांस्टेंट होता है, ये हमारा जिसमें पी जो होता है वो कांस्टेंट होता है वो होता है आइसोबारिक प्रोसेस। सेकंड की अगर हम बात करें तो जिसमें एन बराबर वन हो वैल्यू, जैसे मान लीजिए एन की वन आई और या ये हमारा आया और ये पी वी कांस्टेंट होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, अगर वैल्यू एन इनफाइनाइट आई तो इनफाइनाइट होगा टर्म में इसके, और जो इसके लिए वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंतर्गत ये आ जाएगा। एन बराबर अगर गामा आया, ठीक है, तो ये हमारा गामा, ये तो आप जानते हैं इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा कॉन्स्टेंट है। देखिए अब नेक्स्ट जो है थ्रॉटलिंग प्रोसेस, थ्रॉटलिंग प्रोसेस यानी अवरुद्ध प्रक्रम, इसमें क्या होता है, तो देखिए वह प्रक्रम
जिसमें ना तो ना ही हीट का हीट को उत्पन्न किया जा सकता है यानी प्रदान किया मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं और ना ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यानी निकाल भी नहीं सकते हैं, वो हमारा होता है अवरुद्ध प्रक्रम, ये कहलाता है। गणितीय फॉर्म अगर हम बात करें तो इसमें जो हीट होता है वो भी जीरो होता है, डब्ल्यू यानी वर्क डन भी जीरो होता है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी हमारा जीरो होता है, जो काइनेटिक एनर्जी में चेंजमेंट है वो भी हमारा जीरो होता है सभी में, ठीक है, सभी की वैल्यू जीरो होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें एच वन एच टू की, ये तो हमारा दोनों इक्वल होता है क्योंकि एच जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है यानी जो हीट है, ठीक है। और थ्रॉटलिंग प्रोसेस की अगर देखें हम और भी बात करें तो इसके संबंध में जो आइडियल गैस के लिए, तो हमारा आइडियल गैस के लिए क्या होता है, हीट बराबर मतलब हीट जो होता है वो टेम्परेचर के और डेल्टा यू के बराबर होते हैं, तीनों आपस में इसकी जो ये जो होते हैं तीनों कांस्टेंट रहते हैं। देखिए यूज ऑफ थ्रॉटलिंग प्रोसेस जान लीजिए, क्या क्या यूज है थ्रॉटलिंग प्रोसेस के, तो यूज़ की अगर हम बात करें तो देखिए किसी भी भाप की स्थिति ज्ञात करना है तो हम इसी से करेंगे, शुष्कता भिन्नता ज्ञात करना है तो इसी से करेंगे, टरबाइन की जो गति है उसको कंट्रोल करने में भी इसका यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्ज़ाम में ये वाला पूछा गया था कि टरबाइन की जो मोशन है उसको कंट्रोल करना है तो किस प्रोसेस से करते हैं, तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस से। देखिए उसके बाद जो रेफ्रिजरेशन प्लांट होता है और जो रेफ्रिजरेंट प्लांट में रेफ्रिजरेंट के जो प्रेशर होता है उसको भी कंट्रोल करने में किया जाता है। हाइपरबोलिक प्रोसेस क्या होता है, तो देखिए हाइपरबोलिक जो प्रोसेस है अति प्रवलयिक प्रक्रम, तो इसमें क्या होता है आइडियल गैस के संबंध में इसे आइसोथर्मल प्रोसेस भी कहते हैं, याद रखेंगे इसे। देखिए उसके बाद अर्थात गैस के एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन के दौरान यह जो होता है गैस का नियम का पालन करता है, ठीक है, ये क्या करता है गैस के नियम को फॉलो करता है। P1V1 इज्कवल टू P2V2 या PV इज्कवल टू कॉन्स्टेंट कहें सेम है, यह क्या है एक सैद्धांतिक प्रक्रम है और इसका जो अगर हम बात करें पीवी डायग्राम खींचने पर देखिए हाइपरबोलिक कर्व बनता है, हाइपरबोलिक अगर ये एग्जांपल देखिए अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है कंपटीशन के लिए, तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि आपका जो पीवी डायग्राम है किसी भी हाइपरबोलिक प्रोसेस के लिए, तो उसका जो आप पीवी डायग्राम क्रिएट करते हैं तो उसमें जो मतलब कर्व बनता है वो कैसा होता है, वो तो हाइपरबोलिक होता है, ठीक है, ये आप पीवी डायग्राम देख सकते हैं, ये एक प्रकार से हाइपरबोलिक प्रोसेस आपका हाइपरबोलिक कर्व बन रहा है, देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली आपका होता है इस चैप्टर का द एंड, और देखिए अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखिए टेलीग्राम चैनल पर आपको ये PDF मिलेगी और इंस्टाग्राम पर कोई भी अगर आपकी क्लासेज स्टार्ट होती हैं सारा कुछ आपको वहीं पर मिलने वाला है, और देखिए जितना भी न्यूज़ होगा या फिर जो भी होगा सब आपको वहाँ पर अपडेट किया जाएगा, तो आप इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें, ठीक है, इंस्टाग्राम को आप लोग ज़रूर फॉलो करें क्योंकि वो फाइनली आप लोग के लिए ही क्रिएट किया गया एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ताकि आपको भविष्य में देखिए मतलब आगे किस प्रकार से जाना है, और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं पॉलिटेक्निक के तो वो देखें उनका जो एम है फोकस उनको अचीव करना, ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे सारा कुछ वहाँ पर आपको मटेरियल मिलेगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Next video.